आज की वीडियो में हम जानेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करने के लिए स्प्लिट स्ट्रेटजी के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव रहेगा कि इस वीडियो को या इसे स्प्लिट स्ट्रेटजी सीखने के बाद टू डिजिट्स के सब्ट्रैक्शन और एडिशन स्प्लिट स्ट्रेटजी से हम कर पाए। स्प्लिट स्ट्रेटजी में जो हमारे पास जो टू डिजिट्स के हमें सम करने होते हैं उनको हम बेस 10 पर ब्रेक करते हैं, क्योंकि 10 पर कैलकुलेशन करना कंपेरेटिवली आसान होता है। उसके बाद जो हमने सेपरेट कैलकुलेशन की है उनको दोबारे से कंबाइन कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 46 प्लस 33 को हम ऐड करना चाह रहे हैं, तो 46 को हम प्लस 33 को हम 40 प्लस 30 में ब्रेक करेंगे और 6 प्लस 3 में अलग ब्रेक कर लेंगे। फिर इनके अलग अलग इनको हम सम ऐड करेंगे, 40 प्लस 30 70 और 6 प्लस 3 9, और जो टोटल होगा हमारा 70 प्लस 9 हमारा आंसर होगा 79। सब्ट्रैक्शन के लिए एक एग्जांपल को देखते हैं। अगर हमें 67 में से 42 को माइनस करना है तो हमारे पास जो ग्रुप है वो 67 का है, उसमें 42 को हमें माइनस करना था। तो इसको इजीली जैसे स्प्लिट स्ट्रेटजी अगर इस पर अप्लाई करते हैं तो 60 में से 40 को माइनस करेंगे और 7 में से 2 को माइनस करेंगे। तो 60 में से 40 को माइनस करने पे हमारे पास था 20, और 7 में से 2 को अगर हम माइनस करते हैं तो 5, और दोनों जो हमारे पास रिजल्ट आए उनको हम टुगेदर कंबाइन करते हैं, 20 प्लस 5 25 हमारा आंसर होगा। तो अभी हमने एक एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल देखा। स्प्लिट स्ट्रेटजी मेंटल मैथमेटिक्स करने में और जो एल्गोरिथम है उसको एक हमें नया तरीका देती है सवाल को सॉल्व करने में, किस सिचुएशन में इस तरह सवालों को हल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। 27 में 42 को ऐड करना है तो हम 20 में 40 को ऐड करेंगे, 7 में 2 को ऐड करेंगे, और जो हमारे कंबाइन आंसर आए हैं यानी 20 प्लस 40 60 और 7 प्लस 2 9, इनको ऐड कर लेंगे 60 और 9 को 69। तो हम मेंटली जिस तरह हम सॉल्व करते हैं उसी तरह हम डेली लाइफ में उसी तरह हम यहाँ पर स्प्लिट स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए सिंपली एडिशन कर रहे होंगे। एक और सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल देखते हैं। 86 में से 33 को माइनस करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सिंपली 80 में 30 को माइनस करेंगे, जो भी कंपेरेटिवली 86 और 33 को माइनस करने के आसान है। 50 हमारे पास आता है और 6 में से 3 माइनस करेंगे 3। अब हम जो हमारे दोनों बहुत आंसर कंबाइन करेंगे 50 और 3, इनको कंबाइन करके आंसर बताएंगे 53। तो आपको भी लगता होगा कि जब स्टूडेंट के साथ भी शेयर करेंगे तो स्टूडेंट क्लास में विदाउट पेपर पेंसिल के जैसे वो प्रॉब्लम को देखेंगे मेंटली इसको सॉल्व कर रहे होंगे। एक और एग्जांपल शेयर करता हूँ आपके साथ में। 54 प्लस 34, तो इसके लिए सिंपल 50 को 30 में ऐड करना है और 5 और 4 को अलग ऐड कर लेना है। तो 50 और 30 80 और 5 और 4 9। अब हम जो दोनों वो था आंसर कंबाइन कर लेंगे 80 और 9 को 89 हमारा फाइनल आंसर होगा। सब्ट्रैक्शन का एक और एग्जांपल लेते हैं। इस पर हम मैथमेटिकल टॉक भी बच्चों के साथ कर सकते हैं कि एक्चुअली वो सोल्व करने के लिए उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो कैसे सोल्व कर रहे थे। तो बच्चे उनको बता सकते हैं अपने आंसर को कि मैंने 93 माइनस 62 करना था तो 90 में 60 को माइनस किया मुझे मिला 30, 3 में 2 को माइनस किया मुझे मिला 1, फिर मेरे जो दो आंसर आए 30 और 1 को मैंने ऐड करा कंबाइन किया 30 बने जाए फाइनल आंसर। तो इस तरह जो उनके माइंड का प्रोसेस हो रहा था, जो मेटा लेवल पर हम सोच रहे थे उसको एक्सप्रेस करना अपने आप में एक बहुत बड़ा मैथमेटिकल स्किल है। जब कोई भी अपनी की मेंटल प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं तो हमें टीचर के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी लिमिटेशन है कि हम देख सकते हैं क्या गलती की, कुछ चीज़ें सब कुछ सामने नहीं आता है। पर जब अपने मेंटल प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो हम देख सकते हैं कि वहाँ वो एरर कर रहे हैं, कहाँ उन्हें और हेल्प की ज़रूरत है, कहाँ उनको और दूसरे फ्रेंड्स के साथ हम पेयरिंग कर सकते हैं किस स्टूडेंट के साथ पे। जैसे एक और एग्जाम्पल 15 प्लस 77, तो सिंपल 10 प्लस 70 को ऐड करेंगे 80, 5 और 7 को ऐड करेंगे 12। अब मुझे 80 और 12 को ऐड करना है तो मैं 80 और 10 को ऐड कर सकता हूँ 90, और जो 2 को फिर जो बचा उसको ऐड कर दूंगा 92। कंबाइन करके हम फाइनल आंसर दे रहे होंगे। मैथ में रीइंफोर्समेंट और प्रैक्टिस की अलग ही इंपॉर्टेंस है। कोई भी स्ट्रेटजी हो अगर हम उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं तभी उसमें मास्टरी हासिल होती है, केवल एक बार जानने से कुछ नहीं होता है। एक और एग्जाम्पल 87 माइनस 44, 80 में से 40 को माइनस करेंगे 40, 7 में से 4 को माइनस किया 3, जो हमारे आंसर आए हैं बहुत उन दोनों कंबाइन कर लेंगे 40 प्लस 3 43 हमारा आंसर है। तो आज हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन की स्प्लिट स्ट्रेटजी के बारे में
समझा और उसके साथ वेरियस एग्जाम्पल कैसे उसे अप्लाई करना है और उसको मैथ टॉक कैसे कर सकते हैं को जाना। तो आप भी इसको ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मैथमेटिकल स्ट्रेटजी के साथ। तब तक बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत।